नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को घर में तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा पसंद नहीं होती। लड़ाई झगड़े किसी को भी पसंद नहीं होते, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो। हमेशा उन्हें शांत माहौल ही अच्छा लगता है। बच्चों की घर में शरारतें होती रहे, बच्चों की मस्ती होती रहे, वह उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन घर में लड़ाई होना किसी को भी पसंद नहीं होता। लड़ाई होने से वह अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों में दूरियां हो जाती है, अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी ही परेशानी है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज लेकर आए हैं कुछ खास उपाय। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में लड़ाई और आक्रमक नहीं रहेगा। जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, जब भी आप अपने घर में दूध आता है तो दूध तो जरूर उबालते होंगे। दूध उबालते समय ये बात ध्यान रखें कि दूध के पास ही खड़े रहिए, ताकि बर्तन से दूध ना निकले। अक्सर देखा जाता है कि यदि आप गैस पर दूध चढ़ाकर चले जाते हैं तो आप ध्यान नहीं दे पाते और आपका दूध भगोने से या फिर जिस बर्तन में आप उबाल रहे हैं वह निकल जाता है। यदि आपके बर्तन से दूध निकल जाता है तो वह आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लड़ाई के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर दो, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी काम के लिए जा रहे हैं, घर से निकलते समय ही दूध ना पिएं। हमेशा दूध पीने के थोड़ी देर बाद ही घर से निकलें तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नंबर तीन, रसोई घर का भी खास ख्याल रखें। रसोई घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए और रसोई घर में कोई भी गीला कपड़ा ना रखें। यदि आप कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी आप रसोई घर में ना सुखाएं, या तो धूप में सुखाएं या फिर छत पे या टेरिस पे डाल सकते हैं तो वह कपड़े भी सूख जाएंगे, लेकिन रसोई में गीले कपड़े नहीं रखने हैं। नंबर चार, यदि आप अपने मेन गेट पर ध्यान देते हैं तो आप मेन गेट पर खाना खाने के बाद तुरंत खाली बर्तन ना रखें, या फिर कोई भी ऐसे बर्तन ना रखें जो मेन गेट से अंदर आते समय वह खाली बर्तन दिखाई दें। तो यदि आप खाली बर्तन रखते हैं तो वह आपके जीवन में बहुत सारी समस्या लेकर आते हैं और आपके घर में लड़ाई के भी विवाद भी छिड़ सकते हैं। यदि आप कोशिश करें तो वह खाली बर्तन आप ऐसी जगह रखें जहां पर आपके मेन गेट से अंदर आते ही किसी को प्रवेश करने पर ना मिले। नंबर पांच, यदि आप घर में अपने कमरे में मोर पंख लगाते हैं तो वह भी सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है। और कोशिश ये रखें कि अपने घर में यदि झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं तो वह भी आप अपनी नजरों से दूर रखें, कि यदि आपको वह झाड़ू और पोछा नजर ना आए। ऐसे करने से भी आपके घर में लड़ाई और विवाद नहीं होंगे। तो ये आसान से उपाय यदि आप करते हैं तो आप लड़ाई विवादों से दूर रहेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।